स्वागत है आपका न्यूज 70 में। हम यहाँ महेंद्रगढ़ लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ जो डालनवास गांव है, यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं और हम एक एक करके लोगों से जो उनकी चुनावों को लेकर के उनकी जो राय है वो जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में जो 12 मई के जो चुनाव है उनको लेकर के जो इनकी जो प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। बाबा अपना नाम बताइए। जयपाल सिंह मदी। जयपाल जी, क्या लगता है अभी कुछ ही समय बाद जैसे लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार, कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद है? सरकार तो बीजेपी की अच्छी है और प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। अच्छा। और यहाँ से कैंडिडेट है धर्मवीर, उसका वोट देने चाहते हैं। तो अभी और जैसे पार्टियां हैं, दो तीन पार्टियां हैं, जैसे जेजेपी की पार्टी है, पार्टी है, और जैसे कांग्रेस की पार्टी है, अच्छी कांग्रेस की पार्टी अच्छी नहीं है, और LSP BSP का राजकुमार सैनी की जो पार्टी है उनको किस तरह? वो जीरो जीरो, उनका कोई रुझान नहीं है, कोई मतफल नहीं है। अच्छा, और ना आने की उसकी ताकत है। चलो ठीक है। बाबा अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयचंद नंबरदार। तो नंबरदार जी, क्या लगता है अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं? महाराज बला का इशार है अठन्नी जी को, आज 3,000 करा दो, बड़े 3 करांगार को फोन दियो ना, टूटिया बना दिया हमने। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? ये मोदी राम के टाइम की। अच्छा, मोदी ने क्या वादा किया था, क्या पूरा नहीं किया? फोन कर 5 महीना हो दिया, नंबरदार ने बुलाया था इशार। अच्छा, अठन्नी को जी ने। तो अभी वोट किस किन को डालोगे? वोट तो मोदी का देना पड़ेगा मैंने तो। देखोगे नहीं पड़ेगा। लंबरदारों का जो जो वो था, आपका जो पैसा वो देना था, हवा नहीं दिया, वो नहीं दे पाए। हाँ। इससे आप नाराज हो? हाँ, और न फोन दियो हमने, जो फोन भी देना था, जो सामान देना था, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, समझा? और वोट फिर भी आप मोदी को डालोगे? मोदी को डाला तो ये रिपोर्ट जानी चाहिए उनका। बिल्कुल, जो आपकी जो बात है हम हमारे चैनल के माध्यम से आगे तक बताने की कोशिश करेंगे कि भी इनसे वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। चलो ठीक है सर, आप अपना नाम बताइए। मांगेराम है। मांगेराम जी, क्या लगता है कि कौन सी सरकार बना रहे हो अभी आप? पूरा जितनी लग रही श्रुति चौधरी को आप जिता रहे हो यहाँ से, कांग्रेस की सरकार बना रहे हो? बिल्कुल। तो मोदी जी की पसंद क्यों नहीं आ रही सरकार? उसने वादा पूरा नहीं किया। चौधरी धर्मवीर सिंह को क्या देखते हो? वो कदे उरा दर्शन को दे, वो एक बल दर्शन, वो दल बदलू आदमी है। अच्छा, कदे इन जाए कदे इन जाए। तो मतलब चौधरी धर्मवीर सिंह आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। श्रुति चौधरी का आप पसंद करते हो? पसंद। और इसको क्या देखते हो, जैसे जननायक जनता पार्टी से स्वाति यादव है, सतवीर नोटाणा की जो लड़की है, जेजेपी जो पार्टी, जननायक जनता पार्टी, उसने जाना बन गया? उसको जानते नहीं आप? जानते नहीं। चलो ठीक है, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप सर अपना नाम बताइए। स्वामी राम है। स्वामी जी, तो कौन सी सरकार बना रहे हैं जी? मेरी सरकार तो, मैं तो कमल के फूल पर कहना चाहता हूँ, लेकिन ये सही है, मेरे को कैंडिडेट गलत है। इनके कैंडिडेट जो चौधरी धर्मवीर सिंह है वो सही नहीं है, गलत है वो। अभी तो कैंडिडेट तो देखो बदला नहीं जाएगा, तो ये तो समय गया कैंडिडेट का। तो पहले अगर आप वो तो ऊपर से कमान का सोचना था। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार बने, मोदी आए केंद्र में, लेकिन इन कुत्तों को वोट नहीं दिया जाए। चलो ये तो आपकी एक मन की बात है, तो फिर आप किसको वोट डाल रहे हो, कौन सी पार्टी को? आप वोट तो मैं दूंगा कमल के फूल पे ही, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए कि ये ऐसे आदमी आए हैं। बाबा अपना नाम बताइए। ओमकार। बाबा क्या लगता है कौन सी सरकार अभी आपके मन में है, कि किस तरह की सरकार बननी चाहिए? बीजेपी को बता रहे हैं जी, आप भी सोचो अपने मन में, आप भी वोट डालो, किन को डालोगे, क्या है आपके मन की बात? डालना तो मोदी का है, हिसाब किताब चला है, ये मोदी का ही है ज्यादा चला, इस साइड की जो आपकी है ये मोदी की है ज्यादा हवा चल रही। हाँ, अभी और पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इनको क्यों नहीं आप देख पा रहे? क्या आप समझ लिया भाई? मतलब मोदी ने वो मतलब प्रधानमंत्री के लायक है इनको, पर जो सेंटर में जो कैंडिडेट है इनके लिए बढ़िया कैंडिडेट नहीं है इनके पर प्रधानमंत्री? हाँ, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है कोई, मतलब प्रधानमंत्री के तो, इसलिए मतलब आप उसको बीजेपी को जो मोदी की जो है उनको पसंद कर रहे हैं। हाँ सर, आप अपना नाम बताइए। मूलचंद। तो मूलचंद जी, क्या लगता है अभी कुछ ही समय बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपके नजरिए में कौन सी सरकार बननी चाहिए 2000? कांग्रेस। कांग्रेस का क्या क्वालिटी आपको पसंद आ रही है कि कांग्रेस को आप बता रहे हैं? सब बढ़िया, सबसे बढ़िया कांग्रेस है, जितनी बार काम किया कांग्रेस ने किया।
सबसे बढ़िया कांग्रेस चौधरी धर्मवीर सिंह को किस तरह कुछ भी हो रही हो तो दल बदल किधर गैर दी होता खड़े हो गया जो 5 साल हो गया आयो कोई फुटो गाइड दी कांग्रेस ने वोट दिया कांग्रेस को आप पसंद करते हो अभी ऊपर जैसे सेंटर में कह रहे हैं कि जैसे एबी बाबूजी ने बताया कि राहुल गांधी कैंडिडेट इनके पास अच्छा नहीं है तो ये क्या बात कैंडिडेट तो हर एक सब तो प्रधानमंत्री बन जाए सब बताओ सर का मन में कौन गलत है सब बढ़िया है कोई भी प्रधानमंत्री बन सके मोदी के कुछ वो धरती ले गया रहे शॉपिंग बैठ के मोदी जी को क्या किस तरह से देखते हो मोदी जी का क्या लगता है ना मोदी ढूंगी है हम पसंद है नहीं ढूंगी आदमी को और जो अभी जो और पार्टियां हैं जैसे जननायक जनता पार्टी ने हमने वोट खराब नहीं करना ना वोट खराब नहीं करना पार्टियों कोई जनाधार ना जनाधार नहीं अभी तो वोट खराब नहीं करना बाबा अपना नाम बताइए कमम सिंह बाबा क्या लगता है कौन सी सरकार अभी बना भाई कांग्रेस ने बनावा काम तो कांग्रेस को पसंद कर रहे हो हाँ चलो अभी इनको बीजेपी वालों को क्यों कुछ नहीं हमारा कह रहे बीजेपी जो तुम बात करो कोई पूरा क्या वादा क्या था आपकी नजर में जो पूरा वादा करे कौन करो किसान कर दूंगो फलाना न्यू इतनी नौकरी दे दू के नौकरी दे दू तो अभी आप जैसे कांग्रेस की जो श्रुति चौधरी है उनको पसंद कर रहे हो ये तो दालनवास के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी रियायत बताई है मिली जुली प्रतिक्रिया जो दी है कुछ कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी है और हम आगे भी आपको जिसे अवगत करवाते रहेंगे लोगों से मिलवाते रहेंगे आप देखते रहें न्यूज 70 नमस्कार।